दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिवली आज तक पे, ये अंदर आने के बाद हमें दिखाई दिए गए हैं। आप सोचिए, मैं एक बार फिर कैमरा पर्सन से कहूंगी, ऊंचाई दिखाइए यहां से। यहां से नीचे अगर आप गिरेंगे जरूर आपको चोट लगेगी। देखिए, कम से कम 5 फीट गहरा, 5 से 6 फीट गहरा यहां पर ऊंचाई है इसकी। तो यहां से जब वो वीडियो से नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं हमारे जवान, और उस तरफ देखिए वो गेट अभी भी बंद है, पुलिस की तैनाती अभी भी लगी हुई है यहां पर, रैपिड एक्शन फोर्स है, एंटी राइड गियर में पैरामिलिट्री फोर्स भी खड़ी है, और एक तरफ से ये जो बसें हैं इसमें भरकर जो पुलिस वाले आए हैं। अभी भी लाल किले की ऐसी ही स्थिति है, एक जगह टूटी हुई गाड़ी रखी हुई है, ये सारे बैरिकेड्स ओवरटर्न कर दिए गए हैं, बुकिंग काउंटर हमने आपको दिखाया किस तरीके से तोड़ा गया है, अंदर भी इस वक्त पुलिस तैनात है, लेकिन एक जो बस है अंदर वो टूटी हुई रखी हुई है। देखिए, सब जगह हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हालत थी लाल किले की 26 जनवरी को, जिस दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री और काफी सारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिस तरीके से किसान और उनके साथ कुछ दंगाई यहाँ घुसे। ये हालत देखिए, ये एंट्री पॉइंट है जहां पर सब कुछ तहस नहस पड़ा हुआ है। ये चेकिंग मशीन्स है यहाँ पर, एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी चेकिंग मशीन्स है। अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे, एंट्री पॉइंट के बैरिकेड्स तक तोड़ दिए गए, अंदर चेकिंग मशीन्स, सब तहस नहस पड़ा हुआ है। और पुलिस ने अभी ये एज एविडेंस रिकॉर्ड किया है, इसे टच नहीं किया है, इसलिए हम भी आपको एक्सक्लूसिवली दिखा पा रहे हैं। ये हालत है इस वक्त लाल किले की, ये हालत है इस वक्त लाल किले के अंदर के। और ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, हजारों की तादाद में जब यहां पर लोग घुसे तो क्या हालत यहां पर हुई हो, इसी से आप अंदाजा लगा सकती है। देखिए देखिए, ये दरवाजा किस तरीके से तोड़ा हुआ है, एक तरफ से पूरा जो ऑफिस है सिक्योरिटी ऑफिस, इसको तहस नहस किया हुआ है। सीसीटीवी कैमरे तक तोड़ दिए गए यहां पर, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए, तो ताकि पता ना चले या कोई दिख ना सके कि कौन आए कौन गए। इस तरीके से इन दंगाइयों ने आकर जो लाल किले के अंदर हुड़दंग मचाया, उसको आप इस वक्त लाइव देख पा रही हैं। और सोचिए, ये लाल किला जो इतना प्रोटेक्टेड रहता है, काफी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर, ये सब हुआ उसके बावजूद सवाल ये भी उठते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस वक्त कहाँ थे, किस हालत में थे, क्या वो इन दंगाइयों से आउट नंबर हो गए, क्या उनके जो लोग थे यहाँ पर कम थे, ये सारे सवाल भी है। लेकिन आसपास मैं अजय ठाकुर से कहूंगी, दिखाते रहिए आपको कि ये सारी चीजें जो एक सिक्योरिटी लेवल का बैरिकेड है एंट्री करने के लिए, ये तो सारा तहस नहस हो गया, बुरी तरीके से यहाँ पर हुड़दंग मचाया गया। और उसके बाद किसान नेता अगर ये कहते हैं कि हम नहीं जानते ये कौन थे और हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो इस पर भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं।